छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में मलारपक्षी में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हिंदवी स्वराज्य महोत्सव के रूप में मनाया गया। भव्य कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें उदय सातम की ग्रुप द्वारा मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें वीर शिवाजी महाराज की जीवनी को प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, जिला अध्यक्ष गणेश खंगार को तेजिंदर सिंह तिवाना ने शिवाजी महाराज की मूर्ति देकर सम्मानित किया। गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे आज जैसे शिवाजी की जयंती? विषय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर तिवाना जी ने यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया और बहुत बड़े शानदार ढंग से उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे का हेतु यही है कि हमारे जो नए बच्चे बड़े होते हैं इन दिनों में, उनको स्कूल और कॉलेज में छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे, उन्होंने क्या किया, ये बहुत डीपली सिखाया नहीं जाता। इसलिए आने वाले दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन काल के सारे जो काम उन्होंने किया जनता के हित में, वो आज की पीढ़ी के दिलो दिमाग में उतरे। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करने की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया, इसलिए एक सांसद के नाते मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में हम गौर गरीब सामान्य लोगों का सेवा जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उन दिनों में किया था, उसी प्रकार का काम हम आने वाले दिनों में करेंगे। बागेश्वर धाम जो शास्त्री जी, जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राज्य घोषित करने की मांग की है, इस पर आपका क्या कहना है, आपके समर्थन में? देखिए, भारत देश कल भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी हिंदू राष्ट्र है और कल भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि सारे भारत देश के 130 करोड़ लोग भारत देश के मूल धारा के विचारधारा के साथ में जुड़े और हम सब लोगों ने मिलकर भारत देश को हिंदू राष्ट्र है ये मान लेना चाहिए, तभी हम दुनिया के ऊपर आने वाले दिनों में जो हम कहते हैं कि भारत देश विश्व गुरु बनेगा, तो वो हम कर पाएंगे आने वाले दिनों में। और हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, हिंदुत्व यानी कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व तो इज वे ऑफ लाइफ, एक जीवन पद्धति है, तो जीवन पद्धति तो सभी लोगों ने सीखनी चाहिए और भारत देश हिंदुओं का देश है तो इसमें इसको तो कोई नकार नहीं सकता। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो विचार हमको दिया है वो उसको बहुत आगे तक ले जाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। आम्ही सगळे छत्रपति शिवाजी महाराजांचे मावळे आहोत। आज ये पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, हम सभी के लिए ये गर्व का मौका जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म उत्सव है, इसे धूमधाम से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा शिवनेरी किले में मनाया गया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बूथ स्तर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिवादन करते हुए आज उनका जन्मोत्सव मनाया है बड़े भव्यता से। और ऐसे ही भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा एक पोवाड़ा कार्यक्रम, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध उदय साटम का जो ग्रुप है, वो ग्रुप के द्वारा आज भुजाले तालाव मलाड पश्चिम में मनाया गया और आपने देखा कैसे सैकड़ों की संख्या में सभी लोगों ने ये उत्सव मनाया और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्मदिन है वो हम सभी देशवासियों के लिए दिवाली से कम नहीं है। और आज आप सबको महाराष्ट्र के मुंबई के मलाड के रहवासी दिवाली मनाते हुए आज भुजाली तालाब में आप सभी को दिखाई दिए। तो तेजिंदर जी, जिस तरह से शिवाजी महाराज की बात प्रेरणा उनसे आप लेते हैं और उस प्रेरणा को लेते हैं, क्योंकि आप एक क्रांतिकारी की तरह जिस तरह से लगे रहते हैं जमीनी स्तर पर, तो आप किस तरह की प्रेरणा लेकर और कार्य कर रहे हैं जनता के हित? बिल्कुल, सिर्फ मैं नहीं और मेरे जैसे ऐसे हजारों लाखों युवक ही नहीं, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधान नरेंद्र मोदी जी भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरणा लेते हैं और कहीं ना कहीं देश को इतने बेहतरीन तरीके से और विश्वगुरु बनाने के रास्ते पर जो लेके चले, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरणा लेकर आज हमारा भारत देश विश्वगुरु बनाने के राह पर चल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जो आयोजन किया गया हिंदुत्व स्वराज महोत्सव का, मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ, जय महाराष्ट्र। मेरे बहुत खुशी है कि हमारे अध्यक्ष आशीष शेलार जी, देवेंद्र हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री शिंदे साहब, ये सभी ने मिलकर डिसीजन लिया था कि हर जगह पे मुंबई में 19 तारीख को मार्च होना चाहिए। बहुत ही अच्छा डिसीजन है, ये होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग बोलते गोपाल शेट्टी जी,
शिवाजी महाराज मैंने बहुत सर शिवसेना को देखा था करते समय, मेरे घर के नीचे ही करते थे, तो मुझे अच्छा अनुभव है। मुझे कुछ को बुरा भी लगता था, ये क्या है, एक छोटी सी मूर्ति लगा के चला जाते थे और कोई एक आधा गाना चालू कर देते थे, बस उतना ही वो लोगों का शिव जयंती का एक महत्व था। ऐसा नहीं होते हुए हमको बहुत अभिमान है कि हम लोग अपने शिवाजी महाराज के नीचे हम लोग अभी आज जन्म लेके आज पैदा होके सब लोग अपने भूमि में यहाँ खड़े हैं। शिवाजी महाराज जैसे बहुत कमी लोग होते, लेकिन हो भी सकते जो जिसके अच्छा दिल में कुछ करने का धैर्य शौर्य और मन की भावना हो।